Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes I will be listening to the remaining album गुनेगार by Divine. तो last time मैंने पांच गानों पे listening किया था, react किया था. आज मैं remaining five songs सुनूंगी. So I'll be listening भूख, street lorry featuring वजीर पतर, then hitman, अकेला तो already मैंने react कर लिया है, flex कर, and the last track blessings featuring noisy. So these are the five tracks I will be listening to, and I know बहुत सारे गाने drop हुए हैं. रफ्तार surprisingly, that was a big surprise, he dropped his EP, तो I know वो सुनना है. मुफार ड्रॉप द सॉन्ग क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन पे आया था. आई नो कि एमी वो ऑल्सो ड्रॉप द सॉन्ग, एम सी स्टैन ऑल्सो ड्रॉप समथिंग क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था. सो लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स हैव ड्रॉप, तो धीरे धीरे करके सबका रिएक्शन आ ही जाएगा. एंड या लेट्स नॉट डिले दिस एनी फर्दर, लेट्स बिगिन दिस लिसनिंग पार्टी. जीतने की भूख, I feel it's that. तुझ में नहीं मेरी भूख, आ गए give me the loot, a proper man head to the shoe. तुझ में नहीं मेरी भूख, a sitara aim for the moon. आतंकी बंदे ये zoo से हमेशा रहते ये root है. तुझ में नहीं मेरी भूख है, तुझ में नहीं मेरी भूख. तुझ में नहीं मेरी भूख, तुझ में नहीं मेरी भूख, सितारा aim for the moon. तुझ में नहीं मेरी भूख, और तुझ में नहीं मेरी भूख. ये आँखों में नहीं दिखता सुख, ये आँखों में सिर्फ दिखता दुख. नहीं सितारा aim for the moon. तुझ में नहीं मेरी भूख, और तुझ में नहीं मेरी भूख. ये आँखों में नहीं दिखता सुख, ये आँखों में सिर्फ दिखता दुख. आ गए give me the loot, आ बहुत से गन वाले क्रूज, पर कितने करते यहाँ शूट. चल रहा मैं सही राह पे, सन यू कैन टेल बाय माय शूज. एक्स्ट्रा ड्रामा उसको डिप करे, एक्स्ट्रा गांधी उसको फ्लिप करे. हक से जो हुए हम ड्रिप, अब भाइयों को साथ में हम ड्रिप करे. अब पहले वो डीएम में थी, अभी वो जूते भी शिप करे. ये बिजी बनाते हैं रील्स, अपना रियल लाइफ ही तो पिक्चर है. तुझ में नहीं मेरी भूख, आ गए give me the loot, a proper man head to the shoe. A तुझ में नहीं मेरी भूख, a sitara aim for the moon. आतंकी बंदे ये zoo से हमेशा रहते ये root है. तुझ में नहीं मेरी भूख है, तुझ में नहीं मेरी भूख, तुझ में नहीं मेरी भूख, तुझ में नहीं मेरी भूख, सितारा aim for the moon. तुझ में नहीं मेरी भूख. यहाँ रूप बदलता है रूपे से, अब पैसा भी बोलता है चुप बैठ के. अब खुलना जरूरी है मौके पे, अपना टाइम आएगा हम भी तो रुके थे. अब ऊपर ही ऊपर है मेहनत और शुक्र है. एक बंदा अकाउंट से एक बंदा शूटर है. जैसे हम कैंप पे वैसे हम ऊपर है, जैसे हम शाम में वैसे हम सुबह से. भूख तो रैप ने मिटा दिया, जिंदगी हिप हॉप ने सिखा दिया. जो नेगेटिव बज रहे थे वटा दिया, जो बचना चाहते थे तो बचा लिया. वो धोखा दे रहे थे मैं मौका दिया, वो एक मांगे मैंने चौका दिया, वो दस मांगे मैंने सौका दिया. अब टॉप पे बैठे हम हिमालय. तुझ में नहीं मेरी भूख, आ गए give me the loot, a proper man head to the shoe. अब तुझ में नहीं मेरी भूख, a sitara aim for the moon. आतंकी बंदे ये zoo से हमेशा रहते ये root है. तुझ में नहीं मेरी भूख है, तुझ में नहीं मेरी भूख, तुझ में नहीं मेरी भूख. तुझ में नहीं मेरी भूख, सितारा aim for the moon. तुझ में नहीं मेरी भूख. No, interesting. He chose the fade out effect. So before we move on to Street Lorry, the hook is really really catchy here, and it kind of sits in your mind, the song, like tujh mein nahi meri bhook. Ye gana aise karke na compose aur structure kiya gaya hai that it's very simple. Like the structure of the song is very simple. If you see ki itne zyada beat switches and flow switches, it's not that complicated in terms of the structure and the change in cadence or the flow.
दे हैव केप्ट इट प्रिटी सिंपल विच आई लाइक बिकॉज आई फील कि ये गाने का जो इम्पैक्ट है ना इट्स लाइक स्लो पॉइजन. मुझे द वर्ड विच इज कमिंग इन माई माइंड ये गाना सुन के जो मुझे लगा इट्स स्लो पॉइजन बिकॉज द काइंड द वे इट जस्ट मूव्स एंड मूव्स एंड मूव्स यू विल नॉट इवन रियलाइज कि गाने ने कब आपके माइंड को ग्रिप कर लिया है. ये वैसे टाइप का गाना है तो हो सकता है कि सबको ये गाना फर्स्ट लिसन में पसंद नहीं आएगा. लेकिन किसी किसी को एकदम सही लगेगा, किसी किसी को लगेगा चलो ठीक है एक दो बार और सुनते हैं, बट किसी किसी को शायद पसंद ही ना है. बट आई फील ये गाना एक स्लो पॉइजन जैसा है. आई रियली लाइक दैट इट इज काइंड ऑफ अ फ्लेक्स सॉन्ग बट इट्स नॉट प्रॉपर फ्लेक्स इन द सेंस कि चलो वो बोल रहा है कि अब यू नो ड्रिप है, यू नो आई एम ड्रिपिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देख मेरे शूज दिस दैट. बट वो क्यों हुआ? दैट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हंगर ही हैज टूवर्ड्स द पैशन, टूवर्ड्स द पैशन ऑफ मेकिंग यू नो सॉन्ग्स इन हिप हॉप एंड यू नो टूवर्ड्स द आर्ट बेसिकली. तो वही वो बोल रहा है कि तुझमें नहीं है मेरी भूख, जो यू नो सितारा ही इज नॉट एमिंग फॉर द स्टार्स, ही इज डायरेक्टली एमिंग फॉर द मून विच आई लाइक. सो दीज आर सो ही इज सेइंग कि ही स्टिल ही वॉज ड्रिवन बाई दैट हंगर टू डू समथिंग टू प्रूव हिमसेल्फ एंड ही स्टिल गेटिंग ड्रिवन बाई दैट हंगर. तो पहला जो वर्स था उसमें बहुत सारा फ्लेक्स था विच इज वेल अंडरस्टैंडेबल, वो तो होता ही है, इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड इन हिप हॉप. एंड जो दूसरा वाला वर्स था, जब सेकेंड वर्स आया इट वॉज मोर ऑफ हिज हाउ ही इज लाइक हाउ दिस एंटायर सीन एंड हिज सक्सेस हैज नॉट काइंड ऑफ चेंज्ड हिम. कि उसको धोखा भी मिला, जैसे बोला कि एक मांगा तो 100 का दिया, 10 मांगा तो 100 का दिया, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो ही हैज ऑलवेज हैड एन ओपन हार्ट टू हेल्प आउट और टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर एंड स्टफ लाइक दैट. उसकी वजह से धोखा भी मिला है ऑब्वियसली. एंड इट काइंड ऑफ टॉट हिम कि हसल, टोटल जो हसल उसका डिवाइन का रहा है, इट टॉट हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई लाइक देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट वर्स एंड द सेकेंड वर्स. दैट्स व्हाट आई लाइक. सेकेंड इज आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी इज द हुक. और अगर आप देखोगे ना तो हुक रिपीटेशन, द लाइन इज गेटिंग रिपीटेड लाइक तुझमें नहीं मेरी भूख. एंड आई थिंक इट्स जीनियस बिकॉज जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो वो जो एक कॉन्स्टेंट रिदम रखा है हुक का और पूरे गाने का भी, इट काइंड ऑफ ग्रोज ऑन योर हेड. तो तुझ में नहीं मेरी भूख, दिस लाइन पर्टिकुलरली विल स्टे विद यू. पूरा गाना शायद आपको याद ना रहे बट ये वाली लाइन आपको पर्टिकुलरली याद रह जाएगी, तुझ में नहीं मेरी भूख, तुझ में नहीं मेरी, बिकॉज द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम्स द लाइन गॉट रिपीटेड. दैट इज वाई आई फील दैट द सॉन्ग वॉज काइंड ऑफ केप्ट सिंपल एंड इट्स नॉट वेरी असर्टिव ऑल्सो बट इट काइंड ऑफ इज डोमिनेंट. मतलब वो एक डोमिनेंस वाली फीलिंग है इस गाने में एंड इट हैज टू डू विद द बीट्स ऑल्सो. दैट्स वाई आई वाज लाइक जब गाना बीच में बज रहा था आई वाज लाइक कौन है बीट, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव, इट इज काइंड ऑफ एडिक्टिव. सो येस दैट वॉज भूक. आई वॉन्ट टू नो आई मीन डोंट अंडर एस्टिमेट दिस सॉन्ग. बहुतों को पहले लिसन में लगेगा कि इट्स नॉट एज सुपीरियर एज प्रोबेबली यू नो बाजीगर और अकेला और गुनेगार, बट इट्स आई फील भूख लाइक मैंने स्वीट पॉइजन बोला, स्लो पॉइजन बोला पहले, बट आई फील इट्स ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ द डार्क हॉर्स ऑफ दिस एल्बम टिल ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव लिसन टू. इनफैक्ट ये वाला गाना एंड इवन प्लश फॉर दैट मैटर, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था, जब मैंने पहला लिसनिंग ये किया था तो प्लस जब मैंने सुना था आई सेड कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बीट. बट द मोर आई स्टार्टेड लिसनिंग टू प्लस लाइक बाजीगर क्या हुआ था कि पहले लिसन में ही एंड स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स ऑफ द एल्बम टिल नाउ फॉर मी. बट समहाउ आई स्टार्टेड रियली रियली एडमायरिंग प्लश मोर देन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स. सो आई फील इवन भूक इज प्रॉबली इन दैट कैटेगरी. दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई वॉन्ट नो योर थॉट्स. ठीक है, सो आई फील दैट लाइक दैट्स व्हाई आई सेड डोंट अंडर एस्टिमेट दिस सॉन्ग. हाँ मतलब ये है, इट फील्स लाइक द डार्क हॉर्स ऑफ द एल्बम. सो दैट वॉज भूक. एंड वंस अगेन अच्छा लगा मुझे द काइंड ऑफ मैसेज. लाइक ठीक है, जैसे मैंने बोला ना फ्लेक्स, अब इट फेल्ट लाइक यू नो जो पहले का फ्लेक्स किया उसको सेकेंड वर्स में हाउ इट हैज बीन काइंड ऑफ जस्टिफाइड इन अ वे. सो दैट वाज कूल. सो या दैट वाज भूक. नाउ आई एम गोना मूव ऑन टू स्ट्रीट लोरी फीचरिंग वजीर बटर. आई जस्ट वांट टू सी लाइक अ लिटिल बिट अबाउट दिस आर्टिस्ट. ओके, सो ही इज अ पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ सिंगर. ऑल राइट ऑल राइट.
ग्रेट. सो आई एम गेसिंग इट विल हैव पंजाबी वर्सेस एंड स्टफ लाइक दैट. देखते गाने का नाम ही स्ट्रीट लोरी है तो या ओके लेट्स लिसन. आ गए हम हीट लेकर सारा पूरा स्ट्रीट लेकर बड़ा सा नसीब लेकर आ गए हम स्ट्रीट लेकर पेन से नसीब लेकर कंधों पे ड्रीम लेकर आ गए हम हीट लेकर सारा पूरा स्ट्रीट लेकर बड़ा सा नसीब लेकर आ गए हम स्ट्रीट लेकर पेन से नसीब लेकर कंधों पे ड्रीम लेकर एक दो साल नहीं हो गए पूरे अठी यह दुनिया तो राह नहीं मैं कर लेने नाम जिंदगी लिखाई हो ना पूरे आना पास आई डोंट नो पंजाबी सो पंजाबी बॉयज गर्ल्स प्लीज लेट मी नो इनके वर्स का मीनिंग बोली हसन बसुरे हदिया जोर नीनी तेरे जिंदगी दा तेरे जिंदगी दा लंग गया एक होर नीनी गुड्डी अज भी है चढ़ी ना कि चुपड़ी डोर नीनी तेरे जिंदगी दा लंग गया एक होर नीनी गुड्डी अज भी है चढ़ी ना कि चुपड़ी डोर नी. ओह नाइस. आ गए हम हीट लेकर सारा पूरा स्ट्रीट लेकर बड़ा सा नसीब लेकर आ गए हम स्ट्रीट लेकर पेन से नसीब लेकर कंधों पे ड्रीम लेकर हाथी अंबरान पाउंदे रख धरती ते पैर रब्बा कालियां दे हाणी रहिंदा सूरजा ना वैर डब्ल्यू जी ला के तुरे कुमे मर्क दे टायर गीत वाजर दा वगे साइलेंस ते रहा शहर मर्क दे टायर वो मेरे को समझ आया बस मोल हसन वसूले हिकांदिया जोर नीनी गुड्डी अज भी है चढ़ी ना कि चुपड़ी डोर नीनी दे रोड वाली जिंदगी करते नहीं बोलना वैसे कोड़ वाली जिंदगी हर मोड़ पे है गंदगी प्यार नशा कंपनी छीन लेते रेसिपी भूख लगी मेंटली तो पैसा देता थेरेपी घर पे है ताने दोस्त साथ नहीं बिठा रहे नंगे पैर वाले अब बन गए सितारे काला पानी वाले बेटे समंदर किनारे अब 5 साल की डिग्री नहीं पर 7 साल वो काटे 10 साल का पैसा कैसे 10 दिन में छापे 10 दिन कोई खाते जो तू डस्टबिन में डाले और सन वी मेक इट रेन सी के बाल्टी से नहाने सुनाते स्ट्रीट लोरी साउथ बॉम्बे से थाने पंजाब के वीरों से गुजरात के शाने इज्जत मेरे स्किल्स के सो में सो आई गॉट द स्ट्रीट्स ऑन लॉक अपने हाथ में कोड और थूकते जब माइक पे और शब्द थोप ये सड़क की रात तू हम पे छोड़ असले से ज्यादा भूख से मरते लोग अपने खुद के हक के लिए यहाँ पे लड़ते लोग अब बढ़ते बोझ से निकलते हैं फलते सोच पेट भरने के लिए करते जो जो करना ना चाहते मरना है ठीक पर तलवे ना चाटे बेटा बना स्टार सर पे मम्मी का हाथ है हम है बाकी बाजू कर दे अब बाजी घर में हम मुझसे आला जैसे सच्चाई मेरे पास जैसे मुझसे आला लिखे रैप करे जैसे मेरे मुझसे आला पीछे तू डर जाए जैसे तुझे मुझसे आला दिखे और लेजेंड्स नेवर डाई अब भी मुझसे आला जीते और कितने यहाँ खिलाफ है 10 साल से गेम में अभी भी करते जैसे तुझे मुझसे आला दिखे और लेजेंड्स नेवर डाई अब भी मुझसे आला जीते और कितने यहाँ खिलाफ है 10 साल से गेम में अभी भी करते राज है अभी भी करते पुण्य अभी भी गुनहगार है. Dude, divine's verse. My God. Is it just me? Or suddenly, जो second half मैं जो सुन रही हूँ because Akela is also part of the second half of the album. But Bhook onwards, is it just me or the tone of the album suddenly became a little bit dark? Yeah, ऐसा intentional है because Bhook पे काफी मतलब काफी था hard hitting. It's ऐसा नहीं है कि it's a very happy happy song. मैं बोलूँगी flex था but मैंने कहा ना flex के बाद वो hustle वाला part भी था. But this was अब मुझे ऑफकोर्स वो पंजाबी मुझे आती नहीं है इसलिए यू कैन लेट मी नो कि उनका वर्स कैसा क्या बोला है एग्जैक्टली बट डिवाइन्स वर्स वॉज एब्सोल्यूटली इनक्रेडिबल लाइक द हसल ऑफ द स्ट्रीट्स बेसिकली लाइक ही वेंट इन कम्प्लीटली रॉ. ओ माई गॉड दैट वो एक लाइन जो था कि जो डस्टबिन में डाले
वो 10 दिन तक लोग खा रहे, ओह माय गॉड दैट वाज अमेजिंग. देन गिविंग अ ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला, RIP बोला बीच में, एंड लेजेंड्स नेवर डाई. दैट वाज रियली नाइस, दैट वाज अ वेरी गुड इंटीग्रेशन. एंड बट इस डिवाइन जस्ट वेंट इन हार्ड विद हिज वर्ड्स, लाइक एक एक लाइन. दैट्स व्हाई आई विश, क्योंकि जब सेकंड टाइम मेरे को लिरिक्स गो थ्रू करना होता है, आई जस्ट विश कि किसी ने लिरिक्स डालो. किसी ने डाला है क्या? लेट मी जस्ट चेक. बहुत लोग लिरिक्स लिख देते हैं कमेंट्स में भी, बट देखना पड़ेगा. लेट मी जस्ट चेक. जीनियस लिरिक्स का लिंक है, बट इसमें पूरा गाना नहीं दिया है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन लाइक जस्ट द हुक. सिर्फ हुक लिखा है इसमें. सो डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस एट ऑल. आई डोंट नो व्हाई फिर उसका लिंक दिया है. सो लिरिक्स तो मैंने ढूंढा पर है नहीं. किसी ने कॉमेंट्स में भी लिरिक्स नहीं दिया. आई लव डिवाइन का जो एंडिंग, जो डिवाइन के वर्स में जो एंडिंग, वो पूरा मूसे वाला के साथ जो पूरा वर्ड प्ले किया, दैट वॉज फैंटेस्टिक. दैट वॉज फैंटेस्टिक. दैट्स आई वॉन्ट टू यू नो गो थ्रू द लिरिक्स वंस, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट इवन इवन वजीर डिड ब्रिलियंट. लाइक वो पूरा एक जो, आई लव वेन इन अ पर्टिकुलर सॉन्ग जब बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं, चाहे वो मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस जब होते हैं, जैसे इसमें हिंदी एज वेल एज पंजाबी है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में. एंड एक वो एक पूरा, इट वॉज सो अमेजिंग बिकॉज जब बीट है, जो गाने का पूरा बीट है, इट गिव्स यू दैट ओल्ड स्कूल अगेन. ये जो 90s ओल्ड स्कूल हिप हॉप आए, जो डिवाइन के गानों में, आई लव दैट वो फ्लेवर हमेशा रहता है, हमेशा रहता है. बट विद वजीर वर्स, इट गिव्स यू दैट वेरी देसी फोक्सी फील, एंड द ब्लेंड ऑफ द टू इज जस्ट ब्रिलियंट, इज जस्ट ब्रिलियंट. तो ऑब्वियसली पंजाबी बॉयज एंड गर्ल्स जो भी देख रहा है, प्लीज मुझे बताना जरूर कि वजीर जी के वर्स में एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, क्या गाया है. मुझे काफी अच्छा लगा वो जो एक ना करके एंड में, वो ओह दैट वाज सो गुड यार, दैट वाज सो गुड, फैंटास्टिक. सुनने में मजा आ गया. एंड देन वो हुक आता है फिर डिवाइन का, एंड देन डिवाइन का जब वर्स आता है, ही हैज किल्ड इट, ही हैज किल्ड इट. आई डोंट नो वाई. ऑफकोर्स जो ट्रिब्यूट दिया है वो तो काफी अच्छा ही है, बट बाकी सारी जो चीजें भी बोली है अपने वर्ड्स में डिवाइन ने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. ही टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू द स्ट्रीट, वो काला पानी और समंदर किनारे, आई लव दैट लाइन ऑल्सो. फिर एक और लाइन जो बोला था कि दोस्त मुझे साथ में नहीं बिठा रहे हैं, अब जो नंगे पैर चलते वही सितारे हैं. वाह व्हाट लाइन्स मैन. देन एक और लाइन बोला था जहाँ पे ही सेड कि, क्या बोला था कि मैं कि मेंटल मतलब दिमाग को भूख लगे तो थेरेपी में जा रहे हैं. सो मेनी थिंग लाइक लीव द स्ट्रीट्स टू अस एंड स्टफ लाइक दैट. एब्सोल्युटली जस्ट वेंट इन कम्प्लीटली. लाइक बोला ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग. एंड जैसे ही जैसे डिवाइन का वर्स आगे बढ़ता गया, हिज केडेंस वॉज जस्ट चेंजिंग, एंड इट वॉज मतलब इट दिस सॉन्ग इज अ ब्यूटी. दिस सॉन्ग इज सीरियसली अ ब्यूटी, अमेजिंग, फैंटास्टिक. आई टेल यू ना, ये वाला मैंने इनफैक्ट फर्स्ट वाले पार्ट में ही बोला था कि मतलब इतना ज्यादा हाइप, जब मैं सुन रही थी सारे गाने, 5 गाने जब सुन रही थी, कि इतना ज्यादा हाइप और जितना यू नो द काइंड ऑफ वेराइटी दैट आई एम गेटिंग, एंड यू नो नन ऑफ द सॉन्ग्स आर डिसअपॉइंटिंग मी. ये प्रॉब्ली इस साल का मेरा तीसरा फुल लेंथ एल्बम रिएक्शन जो मैं दे रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक लिटरली नन ऑफ द सॉन्ग्स आर डिसअपॉइंटिंग मी. दे आर सो गुड, दे आर सो गुड. सो या दैट वॉज स्ट्रीट लोरी फीचरिंग वजीर पतर. एंड या द नेक्स्ट सॉन्ग इज हिट मैन, जिसमें इट्स लाइक सिर्फ डिवाइन ही है इसमें, नो कोलैब. एंड या लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. Dude, the music production, man. Oh man, second half of the album is a little direction ले लिया है. जब भी देखते वो मुझे होते प्राउड मुंडे, आंखें सेकते वो खुले, अशोरत से मिलती नहीं इज्जत, मेहनत तो किस्मत से मिलती है इज्जत, और इज्जत बहुत ज्यादा जिद्दी है, राखेल में उंगलियों पे होती इसकी गिनती है, बंदी के मैं सर पे वो बोलती बिंदी है.
फिल्मी है okay. से फिर भी वो चिंदी है ईस्ट वाले लड़के और हम हाइप है टाउन हो या गली सनम नाइस है ईस्ट वाले लड़के सर हम हाइप है टाउन हो या गली सनम नाइस है यही जा रहे और वो फिटनेस करे फिटनेस सीरियस टोन ले लिया थोड़ा लाइट हार्टेड है हिटमैन हूं मैं हिटमैन हूं मैं हिटमैन हूं मैं हिटमैन हूं मैं हम मुंबई का रोहित और स्किल्स में पूरा पूरा फिटमैन हूं मैं फिटमैन हूं मैं खून में जुनून है लिया हमने हाथ से जो मिला तुझको स्पून से म्यूजिक सिर्फ सुकून दे वाओ सुनते वो कहते हमें गुंडे धन मिला धुन से अगर हेटर हो तो लन से धन मिला धुन से छोड़ा मैंने मन से इंटरनेट के बच्चे सिर्फ इंटरनेट पे बचते असल अपनी जिंदगी और दूर रहते सबसे निकलते तेरे खर्चे बिछाए हमने नक्शे काम करना पड़ता कुछ मिलता नहीं लग से शैतान जाना चाहता कहना था मेरा रब से शेर वो तो कब से ज्यादा बोला रख दे तुम चलते नहीं बकते हम बातें नहीं करते ऐसा नशा दोनों चढ़ता नहीं मेरे सर पे वही डॉन में भूत में वही डॉन में घर पे हक्का मेरा हो तो हक से लेंगे लड़के जीते हो तुम सड़के जैसे फिटनेस करे हम हिट लिस्ट भरे क्योंकि हिट लिस्ट भरे पहले पूछते हैं आई लव दिस लाइन हिट लिस्ट वाला लाइन मैं हूं मैं हिटमैन हूं मैं हिटमैन हूं मैं हिटमैन हूं मैं हम मुंबई का रोहित और स्किल्स में पूरा पूरा फिटमैन हूं मैं फिटमैन हूं मैं ओ रो अब मुझे समझ आया रोहित शर्मा हिटमैन ओ आहा आहा I was wondering what which Rohit. He's like, "Acha, cricketer, I'm captain." Hey, fun! This was fun. Okay, अकेला ये तो मैंने सुन लिया है. This was fun. हाँ मतलब अकेला जैसा गाना कोई ऐसे जैसे मेरी तरह सीक्वेंस में सुनता है तो अकेला जैसा गाना सुनने से पहले ऐसा हिटमैन वाला गाना जरूरी है सो दिस वाज क्वाइट फन आई रियली लाइक दिस इज आई फर्स्टली पहले बीट के बारे में बात करते हैं आई लव्ड अगेन वेरी वेरी स्ट्रीट्स वाला ये बट एज अ ब्लेंड एंड अ लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ जैज ऑल्सो इन दिस एंटायर म्यूजिक प्रोडक्शन विच इज सो गुड विच इज सो गुड सो ह्यूज शाउट आउट टू स्टैटिक सेलेक्टर Static Selector, that's how it's pronounced, I hope, guys. But okay, very nice. Let me just give a like to the song because I really loved it. Wow. Yeah, iske bhi lyrics yahan pe diye to hue hai. Oh, the credit mein yahan diya hua hai. Indian cricket team which refers to... Haan, wahi main literally, main pata hook jab sunne, I said, kaun? Rohit, kaun? Rohit Sharma. Who's lovingly referred to as Hitman. Okay, ye mujhe nahi pata tha. Varna to main ekdam se pakad leti. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि रोहित शर्मा निकनेम इज हिटमैन आई डिड नॉट नो दिस चलो इसके तो लिरिक्स दिए हुए हैं थैंकफुली जीनियस लिरिक्स में सो या आई लाइक द बिगिनिंग सो कपल ऑफ लाइंस व्हिच आर लाइक जस्ट आई वांटेड टू यू नो पॉइंट देम आउट फर्स्टली द हुक ऑफ द सॉन्ग कि हम गिनते ही जा रहे हैं बट और वो हम गिनते ही जा रहे हैं पर वो विटनेस करें एंड बिल्डर वाले पैसे जैसे फिटनेस करें हम हिटलिस्ट पर है क्योंकि हिटलिस्ट भरे आई रियली लाइक दिस पहले पूछते नहीं थे अब सब मिस करें बिकॉज अब ऑब्वियसली को होता है ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो कोई इतना पूछता नहीं आपको बट जब आप फेमस हो जाते हो एवरीबडी वॉन्ट्स योर अटेंशन सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ पैरेलल विच इज काइंड ऑफ ट्रू विच इज नॉट काइंड ऑफ इट्स एब्सोल्युटली 100% ट्रू देन इन द फर्स्ट वर्स आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर लाइन कि मेहनत और किस्मत से मिलती है इज्जत और इज्जत भी मतलब शोहरत से नहीं मिलती है इज्जत लाइक एवरीबडी कैन अर्न मनी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न रिस्पेक्ट तो मेहनत और किस्मत से मिलती है इज्जत विच इज True, I told you that time also. I agree. और इसमें इज्जत में भाई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है I really मतलब and it kind of you know this line kind of connects to his song भूख because you know क्योंकि है उसको वो भूख to prove himself. So yes, he's saying the same thing in a different way. That's what I mean. Rap खेल में उंगलियों पे होती इसकी गिनती है Yes, because he's one of the he's GOAT bandi mein sar pe par wo bolti hai bindi hai
That was funny. Bandra se nikli wo film. So this had a very fun vibe, and that little bit of jazzy element in the beat made the song even more fun. The second verse maybe, jaise haan khoon mein junoon hai, that bhook is there. So I'm connecting it again and again with that song because almost uska aur iska themes kind of similar tha, but wo that was a bit of more serious undertone. This is more of in a happier note. So that's the difference. Liya humne haath se jo mila tujhe sukoon se, like nothing was given to us on platter, obviously. Kisi ki na sunte wo kehte hum gunde, blah blah blah. Project tujhe mila kyunki choda maine haath se. I was the first choice. Internet ke bacche sirf internet pe bachte. Ye to I completely agree. कीबोर्ड वॉरियर्स सिर्फ कीबोर्ड में ही वॉर कर सकते हैं, सामने सामने नहीं. ये तो मैं भी बहुत मानती हूँ कि जितना वो एक स्ट्रेंथ आ जाता है ना, मतलब अनोनिमस बन के किसी के बारे में बुरा भला बोलने के लिए, यू वोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू से दैट थिंग ऑन अ पर्सनस फेस. नहीं होता है. अनोनिमस होके तो बोलना बहुत ही आसान है लोगों के लिए. देन असल अपनी जिंदगी और दूर रहते सबसे. सही बात है. Good. If he follows this philosophy, I'm proud of Divine then. Very, very proud of him. काम करना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता अलग से. Yes, if you really, really want to make a name for yourself, then luck. I feel कि luck एक factor may be होता है. Maybe I might disagree to some extent in this कि luck एक थोड़ा सा factor तो play करता है. Because I feel हमारी country में बहुत लोग हैं जो बहुत talented है, but सबको वो platform नहीं मिल पाता. Like Divine is also a person who has literally come from rags to riches, right? Ki matlab the odds were staked all against him, and sab cheezon ko beat karke Divine is maqam tak pahuncha hai. But the thing is, aise bahut log hai jo talented hote hai and mehnat bhi karte hai, but luck unka saath nahi deta, unki baat nahi banti. I don't know agar aap logon ne apne saath ya aaju baaju mein experience kiya, kyunki I feel ki aisa hota hai. Matlab maybe I kind of disagree to that line ki ha kaam to karna padta hai, sab kaam kar rahe hain, sabko matlab survive karna hi hai is duniya mein, but to really really excel there are people who work a lot but baat nahi ban pati unki, मतलब कुछ फीजिबल हो नहीं पाता. जो वो चाहते हैं, जितनी वो मेहनत इनपुट अपना डालते हैं, वो आउटपुट मिलता नहीं है उन्हें. सो आई फील समवेयर लक डज प्ले अ रोल, एंड स्पेसिफिकली जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, आई फील आपके लक और आपके कॉन्टैक्ट्स दे हेल्प टू सम एक्सटेंट. कि जिसके पास वो प्रिविलेज है उसको थोड़ा तो एक प्रिविलेज कार्ड मिल जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई फील दैट. व्हाट आर योर थॉट्स, प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस. एंड ये लाइन भी अच्छी है, पैसा नशा दोनों चढ़ता नहीं मेरे सर पे, विच इज गुड. वो डॉन मैं बूथ पे, वही डॉन मैं घर पे. सो आई एम नॉट लाइक ही इज लाइक आई एम नॉट पुटिंग अप अ फेक पर्सन. जो मैं दिखा रहा हूँ अपने आप को, वही मैं हूँ. जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक आई वॉक द टॉक बेसिकली. सो या दैट्स द मोर That's the gist of the song basically, and this was quite nice. This was fun for me. The song was fun, and the way the entire album in the second half is just so, I don't know, just so 90s and so old school in terms of its music production. I love that. Even Akela has that flavor. So ab next gana hai to Akela, of course skipping because main already react kar diya hai. So Flex Kar produced by Hit Boy, and I don't know, maybe it's again like a fun kind of song jaise Hitman tha. और यू नो या डिवाइन बोल रहे कि आप अपनी अचीवमेंट्स फ्लेक्स करो बिकॉज यू हैव अर्नड इट. लेट्स सी, लेट्स लिसन टू दिस. फ्लेक्स रैप करने लगे रोड वाले, जो भी स्टाइल चुने उसे पकड़ के हम तोड़ डाले, पूरी बिल्डिंग हिला दे. आ गए हम चौल वाले, जीजी वाला मच, मांगे मुझसे मॉल वाले, रिंग रिंग रिंग. अब बहुत सारे कॉल आ रहे, इसको करना डील, उसको करना शो, जो भी करना करे पहले पहले मेरा पैसा दो. अच्छा. अब पैसा पैसा क्यों, क्योंकि पैसे से ही पहचान हो. रिश्तों की राशन वाली लाइन लगी पड़ी, जहाँ से मैं गुजरा पूरी टाइम लगी पड़ी. बहुत सारे बोले वो डिवाइन मेरा बड़ी, अचल चने डिफाइन यहाँ बिजी. अब सब कुछ है काबू, मैं लंबे हाथ मारू जैसे हाथ मेरे कानून है. फुकू जैसे साधु, मैं कुछ नहीं मासूम, मैं अपना एक क्लास हूँ. मैं दुनिया मेरी क्लासरूम, मैं तुम बेटे क्लासरूम में. बुद्धि चेक, दिल चेक, बेल चेक, शू चेक, मनी चेक, मनी चेक, यस. फ्लेक्स कर, फ्लेक्स कर, फ्लेक्स कर, फ्लेक्स कर. बुद्धि चेक,
A dil check, belt check, shoe check, money check. Flex car, flex car, flex car, flex car. A flex kare, GG mere chest par hai, beat mein hai dard, pura rap khela hum par hai. Kuda laate tum, tera pura crew dumb par hai, mera raw raw. Pure flex. Mere jump par hai, IC, mera neck pura asli hai. 8 digit numbers, mera check pura asli hai. Oh, 8 digits, huh? Pura asli hai. हजम नहीं होता अब तो बहुत कुछ पकनी है चलने दो जल्दी है चल रहे अकल मेरा बुझ गया आज मैं सफल रहे हसलम में गेम घुमाने मेरे नस नस में प्लेन कपड़े ड्रिप्ट आउट और स्टाइल मेरे रग रग में चेक कर A swinging sword lecture, closing down your sector. आके check कर ले मेरे method man. अब पैसा बरसा दे हर weather man. मैं हूँ weather man. अगर बुद्धि तेरी ना छोड़े flex कर. अब घर पे सब healthy चा flex कर. कैश किया चेक चल फ्लेक्स कर यूट्यूब के विलन पर मिलने पर ये कैश पर अपनी तेरी नाइस छोड़े फ्लेक्स कर और घर पे सब हेल्दी चल फ्लेक्स कर और कैश किया चेक चल फ्लेक्स कर यूट्यूब के विलन पर मिलने पर ये कैश पर सर से लेके पैर से लेके सर तक गली गैंग 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 बस्ती से लेके न्यूज तक Different in the way that in a way that there's a full like he's owning it basically in the song he's owning it he's like yes I have all of this mera merch mall wale call kare log bolte hai mera dost hai and I'm like please I'm very busy and stuff like that so वो एक होता है ना कि इसके पहले वाले गाने में बोला था कि भाई जब जब मैं फेमस हो गया तो ऑब्वियसली सब बोल रहे हैं सब मिलना चाहते हैं मेरे से एंड स्टफ लाइक दैट दे आर सिंगिंग नाइस प्रेजेस अबाउट मी तो बट जब स्ट्रगल करते हैं तो कोई पूछता नहीं है सो नाउ ही हैज़ अर्न्ड दिस सॉन्ग कि भाई अब मेरे पास है तो मैं करूँगा फ्लैक्स तो एंड फ्लैक्स कल्चर आई फील दैट इट्स वेरी कॉमन इन हिप हॉप In general, I feel कि I don't know मुझे तो जब मैंने start किया था hip hop सुनना I felt that the core of you know the western hip hop particularly उसका ही काफ़ी influence आया है हमारे देसी hip hop में is the flexing part and you know talking great things about yourself like you are the OG and you are the one who is nobody can beat you and stuff like that so which is understandable and काफ़ी सारे गाने जो मैंने अभी तक कितने सारे गाने देसी हिप हॉप में सुने हैं which are more or less on the same themes बहुत सारे अलग अलग themes में सुने but majority जो मैंने गाने सुने हैं वो इस theme पे ही रहते हैं where they are flexing about their careers they are flexing about their struggles उसका भी flex होता है कि भाई मैं struggle किया और मैं आया top पे right then you're flexing about the kind of lifestyle you have the kind of money you have and you know the places you are going so it's like that I like jab end mein usne bola ki tere paas you know you have a good brain then flex kar ghar pe sab healthy to flex kar I like that so I in a way you can say that agar aapke koi achievements hote hain bahut sare log इसको एरोगेंस मानते हैं हिप हॉप में नहीं मानते मैं जनरली बोल रही हूँ हिप हॉप पे कोई फ्लेक्सिंग सॉन्ग को कोई एरोगेंस नहीं मानता बट जनरली आई एम सेइंग कि अगर कोई अपने अचीवमेंट्स ऐसे फ्लेक्स करता है कि मैंने ये किया है मैंने ये अचीव किया है मैंने वो अचीव किया है आप खुद ही देख लो इन जनरल इन योर हाउस ऑल्सो अगर आपके कोई जान पहचान के लोग आके बोलते हैं कि मेरे बेटे ने या बेटी ने तो क्लास टॉप किया है ये किया है वो किया है तो अगले को लगता है कि यार इतना क्या शो ऑफ करना हाँ ठीक है टॉप किया है तो इतना क्या सबको यू नो ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत है ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहे हैं सो आई फील लाइक इन अ वे यू कैन से दैट डिवाइन जब बोल रहा है कि सब घर पर ठीक है तो फ्लेक्स कर एंड ऑल सो इन अ वे ही इज़ putting a positive spin to it ye mera interpretation hai wo apni cheez to flex kar raha but in a way he is also saying ki if you have achieved something in life there is nothing wrong in talking about it and being proud about it like matlab if your parents are also you know bragging about your achievement that's a good thing in a way which I feel matlab main thoda zyada hi isko matlab gaane ko thoda sa zyada hi deep meaning mein sochne ki koshish kar rahi hu maybe it's not like that but this is what I feel I am trying to this is what my learning is sabki interpretation aur perspective different hoti hai right so if for me say aaj mere paas ek silver play button hai kal ko agar you know यूनिवर्स ने चाहा लोगों ने चाहा अगर मेरे पास एक दिन गोल्डन प्ले बटन आया तो
I would love to talk about it. You know, yes, this is something that not a lot of people can do, but I have also done it amongst, you know, it's a very small segment who get the silver play button or the golden play button. So, mere liye to wo achievement hi hai na. चाहे जैसे भी यू नो चाहे चाहे किसी के लिए बहुत बड़ी चीज ना हो पर मेरे लिए होगी. सो आई फील दैट इट्स ओके इफ यू आर ब्रैगिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स. बट वही है कि अगले को आप मत बोलो मैंने किया है, तू तेरे तो नहीं हो पाया. हाँ पर मैंने किया. सो दैट्स अ बैड वे टू डू. सो आई लाइक दिस दैट डिवाइन हैज काइंड ऑफ पुट इन अ पॉजिटिव स्पिन टू यू नो टू फ्लेक्सिंग ऑल योर अचीवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाट आई टेक फ्रॉम दिस सॉन्ग. दैट्स व्हाट आई पर्टिकुलरली टेक फ्रॉम दिस सॉन्ग. तो अच्छी बात है. तो अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. आप फ्लेक्स करिए, आपको पूरा पूरा हक है. एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर. दैट्स व्हाट आई वांट टू एंड दिस रिएक्शंस नोट इन. तो अब हम लास्ट गाने पे जाएंगे विच इज कॉल्ड ब्लेसिंग्स विच फीचर्स नॉइजी. एंड लेट मी जस्ट मतलब रिएक्ट करने से पहले मैं जरा ये आर्टिस्ट के बारे में देख लूँ कौन है. ओके सो ही इज अ रैपर फ्रॉम अल्बेनिया. ही इज एन अल्बेनियन रैपर. ओके दैट्स काइंड ऑफ कूल. Let's see what the song is about. I mean, it's literally called Blessings, so I'm guessing it's a song about them thanking ki bhai, we have all these blessings with us, so that's why we have been able to be so successful. Blessings of our fans, well-wishers. Sunte hain. Phenom and Karan, mujhe pata hai beat achhe hone wala hai. मुझे पता है. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है सब जबरदस्त. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. I'm going back. I like this. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम. Wow. That was nice. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. वो बोले 5 बजे सुबह उठे स्कूल नहीं था. हाँ फ्रिज मेरे घर पे कुछ कूल नहीं था. हाँ ड्रॉर जब खोले उसमें शूज नहीं था. हाँ तब से अभी तक अपन न्यूज में ही था. शॉपिंग कर रहे थे हिल रोड पे. अब भाई तेरा चिल कर रहा बिल बोर्ड पे. सेकंड हैंड कुछ नहीं सीधा अपन सिल तोड़ दे. तू सड़क नहीं बेटा हार्ड सिर्फ की बोर्ड पे. जमाने से डर नहीं जमाना है हमसे जमाने से हम नहीं. जमाने से डर नहीं जमाना है हमसे जमाने से हम नहीं. वो बोलते थे केयरलेस हूँ बहुत किया मैंने मेहनत. अब कभी नहीं सहमत हूँ इसलिए बरसी है रहमत. और ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स शुक्र है चेस किया पैशन. ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स वी रियली केम अप फ्रॉम नथिंग. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज घर पे लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. When they ask what you doing, I want to the same old. Still chasing money like I'm still broke. When I make from the rich, give back to the poor. I remember them days just sleeping on the floor. Why? I don't know what he's saying, but I like it. Touch him up, look on, that's his only karma. I love that adrenaline. Don't be hating on we, cause we've been hiding. Supporting young G's, I was one of them. Don't let nobody steal you, none of them. Mama, don't cry, mama. Wipe your tears from your eyes, oh please, mama. I'll make a better life, I promise, mama. No more living rough, you're a queen, mama. Nah. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. हमें कोस्ट वाले लड़के दिल से काम हम सोचते नहीं सर से याद है मुझे. हाँ रोज करते लफड़े शुक्र है सब मस्त है सब जबरदस्त है. Blessings for blessings for blessings. Shukar hai chase kiya passion. Blessings for blessings for blessings. We really came up from nothing. Yeah. और ये एल्बम समाप्त होता है. स्टॉप दिस. यस ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स. शुक्र है यू नो चेस किया पैशन. बट इट्स रियली अ ब्लेसिंग कि पैशन चेस करने के बाद आपको इतना सक्सेस मिला. बिकॉज जैसे मैं कहा कि
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं ट्राई अपना पैशन चेस करने का, बट दे डोंट गेट दैट यू नो अमाउंट ऑफ सक्सेस और दैट सपोर्ट. बट आई एम रियली ग्लैड दैट डिवाइन यू वर एबल टू यू नो अचीव रन आफ्टर योर पैशन एंड अचीव दैट सक्सेस. सो आई विश कि अगर जो भी देख रहा है एटलीस्ट यू नो डिवाइन फैंस गली गैंग, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिज जर्नी. गाने तो है ही, एज एन आर्टिस्ट ही इज मेकिंग सॉन्ग्स एंड यू नो हमें एंटरटेन करते हैं ये लोग. बट आई फील दैट जस्ट यू नो इफ यू आर सपोर्टिंग दिस आर्टिस्ट, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द जर्नी ऑफ द आर्टिस्ट की पॉसिबल है. मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, मतलब बट अगर आपको एक बिलीफ है ना, एक स्पार्क अगर आपके अंदर है, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट. वो मैं बोला ना, लक फैक्टर तो एक होता ही है, बट आपको उतना मतलब अगर 1% लक फैक्टर है तो 99% तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर लक साथ में दिया तो दिया, बट आई डोंट थिंक इट विल बी अ वट एवर यू ट्राई, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ कंप्लीट फेलियर, बिकॉज किसी भी टाइप का हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट. दैट्स वॉट आई फील. मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट दैट एग्जैक्ट आउटपुट जो आपने चाहा था, बट कोई ना कोई तो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा आपकी मेहनत का. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम डिवाइन इन दैट केस कि यू नो चाहे जैसे ये वाला गाना है पर्टिकुलरली कि वी हैव लिटरली कम अप फ्रॉम नथिंग एंड इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव, आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन एबल टू अचीव सो मच रनिंग आफ्टर माई पैशन. तो बट यू नो वो पैशन के लिए भी मतलब दिन रात यू नो इट्स ऑल टैलेंट कि आपने यू नो एक रैप करना सीखा, आपने अपने स्किल्स को और अच्छा किया, दिन भर दिन उसको अच्छा करते गए. सॉन्ग राइटिंग ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ रैप करे, ही इज राइटिंग ऑल्सो हिज सॉन्ग्स, यू नो ही बिल्ट अप अ प्रोडक्शन कंपनी, उसने अपना एक खुद का एक लेबल ओपन किया, ही हैज हिज ओन मर्च. सो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप He's not just an artist, but he's also, of course, तो Divine के पास खुद की team है. But the point is that he has established himself as a not only as a good artist, but as a really good, you know, businessman also with a very dedicated fan base and you know a label where it's you know he can bring in a lot of other artists and promote them. So and जो ये journey से जाता है ना उसे तो पता है, उसे पैसे की value और fame की value पता होती है. ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली आई फील पता होती है. सो या दैट वॉज द फुल रिएक्शन टू ओ बिफोर आई यू नो गिव यू माई क्लोजिंग नोट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू से नॉइजी जो उन्होंने गाया काइंड ऑफ लाइक अ मेलोडिक हुक, लाइक मेलोडिक वर्ड्स बेसिकली नॉट हुक, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वो क्या बोल रहे थे ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, बट आई रियली एंजॉयड इट. सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी वाइबी ट्रैक ऑल्सो, लाइक फेनोम एंड करण डिड अ फैबुलस जॉब वंस अगेन. मैं तो बोल रहा हूँ जैसे मैंने प्रोड्यूसर्स के नाम देखा था ये बीट तो अमेजिंग होने ही वाला है, और वो डेफिनेटली था. सो येस ओवरऑल आई रियली एंजॉयड दिस एंटायर एल्बम, रियली रियली एंजॉयड दिस एंटायर एल्बम, सो एंजॉयबल टू लिसन टू. And कितने सारे वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स मिले. सो या डिवाइन विद हिज थर्ड एल्बम, आई थिंक ही ड्रॉप्ड एन एब्सोल्यूट फायर बॉम्ब ऑफ एन एल्बम टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मतलब मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही सारे वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स मिले, चाहे वो एकदम स्ट्रीट्स वाला हो, अंडरग्राउंड हो, ईमो ट्रैक हो, पॉप हो, ग्रूवी हो, एकदम हार्डकोर यू नो बाजीगर जैसा एकदम काइंड ऑफ लाइक अ ड्रिल. I think you can categorize Bazigar as a drill kind of song, right? If I'm wrong, please let me know. Kyunki mujhe, I'm not a musician, so yeah. So yes, overall, I loved the entire album. Aapka favorite gaana kaun sa is album se? Very difficult. Matlab, I am to admitting, is album se favorite choose karna bahut hi difficult hai. I would just say ki mujhe to at present, right? Now, do gaane jo mujhe bahut hi acche lag rahe hai. Kyunki abhi to maine second half सुना है, तो when I listen to it again maybe मेरा preference शायद change हो जाए, but overall अभी अगर मैं फटाक से बोलूँ तो definitely बाजीगर, because I think I've listened to it so many times and plush, like that was kind of a surprise for me, because मुझे लगा था कि शायद मुझे traffic jam या सितारा या गुनेगार अकेला ये मेरे second उसमें आएगा after बाजीगर, but it turned out to be plush, because I don't know, something just clicked and I was like, यार ये गाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. And I don't know why, मुझे एक gut feeling है कि the same is going to happen with Bhook and even Street Lorry for that matter. So yeah, I want to know your preference. कैसा लगा आपको ये पूरा album? कोई गाना है जो आपको underwhelming लगा? For me, to be very honest, none of the songs were really that much underwhelming.
this is a no skip album, definitely a no skip album. So yeah, that was the reaction. Those were my thoughts. I want to know your thoughts. Any song that you did not vibe with, या लगा कि नहीं पहले सुना तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद I grew out of it. I want to know your opinion on the songs. So yes, with that I will end this video here. I hope you guys enjoyed watching this reaction. Yes, lot more DHH content coming in soon because काफी कुछ नए गाने EPs वगैरह drop हुए हैं तो एक एक करके आएंगे सबके reaction. Just asking you to be a little bit patient, that's all. So yeah, that's it guys. I hope you guys enjoyed watching this video. I'm gonna sign off now and I'll see you soon on my next one. Bye.